आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल सागा फ्लैगबैक पे। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे द 100 मैन के होने वाले मैच नंबर 17 के बारे में, वेल्स फायर वर्सेज साउदर्न ब्रेव के बीच में। ये मैच आपको रात में 11 बजे देखने को मिलेगा सोफिया गार्डन कार्डिफ में। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 9140233474, इसको सेव करके रखना। यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, सामने आपको QR कोड टेलीग्राम का और टेलीग्राम चैनल की यूजर आईडी भी दिख रही है, ज्वाइन करना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने लॉसेज को रिकवर कर सकते हो। इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या लेके आया हूँ, पहले वो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट टेबल और लास्ट मैचेज की विनिंग, इसके अलावा वेन्यू रिपोर्ट एंड स्टैट्स हम देखेंगे, पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट देखेंगे, हेड टू हेड मैचेस के रिकॉर्ड हम देखेंगे, प्लेयर्स बैटल एंड प्लेयर्स स्टैट्स देखेंगे और ड्रीम इलेवन की टीम भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहले पॉइंट टेबल पे एक बार नजर डाल लेते हैं। साउदर्न ब्रेव की टीम पॉइंट टेबल में नंबर दो पे है, 4 में से 3 मैच इन्होंने जीते हैं और 1 मैच इन्होंने हारा है। काफी अच्छा कर रही है, इनका नेट रन रेट भी काफी अच्छा है। और इसके अलावा अगर मैं वेल्स फायर की बात करूँ, इन्होंने 4 में से 2 मैच जीते हैं, 2 मैच हारा, ये भी खराब नहीं खेल रही है, इनकी भी पोजिशन ठीक ठाक है और इनका भी अगर नेट रन रेट देखा जाए वो भी पॉजिटिव में है, तो इनको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अगर इनको टॉप 4 में जगह बनानी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पिछले जो 16 मैचेज हुए हैं उसमें से हमने 12 मैचेज कवर किए, 4 मैचेज हम कवर नहीं कर पाए। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो बीच में जुलाई क्लोजिंग की वजह से मैं कुछ मैचेज कवर नहीं कर पाया। 12 मैचेज हमने कवर किए, सभी 12 मैचेज में हमने क्लीन स्वीप किया है। पहला मैच 25,000 के इन्वेस्टमेंट से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे देख सकते हो। विनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 67,500 की हमने विनिंग की, 42,500 का प्रॉफिट कमाया। सेकंड मैच में मात्र 19,000 का इन्वेस्टमेंट करके 51,000 रुपए की विनिंग की। प्रॉफिट की बात करें तो हमने 32,000 का प्रॉफिट कमाया। मैच नंबर 3 हमने दूसरे ड्रीम इलेवन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया, सेम 25,000 का इन्वेस्टमेंट, सेम 42,500 का प्रॉफिट हुआ। सेम मैच नंबर 4 में भी हमने किया। इनिशियल मैचेज में हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैच नंबर 5 से हमारा जैकपॉट मैच स्टार्ट हो गया, वहां हमने अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके 1,35,000 रुपए की हमने विनिंग की। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 85,000 रुपया प्रॉफिट हमने कमाया। ये जितनी विनिंग आपको दिख रही है सबका लाइव विनिंग प्रूफ का अलग से वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पे, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है द 100 लाइव विनिंग प्रूफ की, वहां भी जाकर के आप एंजॉय कर सकते हो हमारे विनिंग को और काफी कुछ सीख सकते हो। मैच नंबर 6 में भी हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, सेम वही प्रॉफिट 85,000 का। मैच नंबर 7 में भी हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया लेकिन 2 में से हम एक ही कॉन्टेस्ट विन कर पाए, लेकिन अल्टीमेटली 17,500 का प्रॉफिट हुआ। मैच नंबर 8 में और नजदीक आ गई जुलाई क्लोजिंग तो हमने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, 67,500 की विनिंग की, 25,000 का इन्वेस्टमेंट, 42,500 का प्रॉफिट हुआ। मैच नंबर 9 हम कवर नहीं कर पाए। इसके बाद आगे चलते हैं, मैच नंबर 10 में यहाँ पे देख सकते हो हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया लेकिन विनिंग हमारी 0 रही, लेकिन हम इसको क्लीन स्वीप मानेंगे क्योंकि जो हमारी टीम थी वो हमारी अल्ट्रा क्लीन स्वीप वाली टीम थी। इस तरीके की टीम से आप 100 में से 99% टाइम आप विन करोगे, क्योंकि जो पहले इनिंग में जो टीम थी वो मात्र 94 रन ही बना पाई थी, लेकिन सामने वाले टीम को 95 का टारगेट मिला था जिसको चेस करने में इनके 7 विकेट गिर गए। ऐसा केवल 1% टाइम होता है 100 में से, और हमने पहले इनिंग के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर, सारे इंपॉर्टेंट बॉलर लिए थे। नाथन लिस को हमने कैप्टन बनाया था लेकिन सेकंड इनिंग में मैट हेनरी ने 3 विकेट ले लिया, हरीश राउत ने 3 विकेट ले लिया, तो जिस अपोनेंट ने उन दोनों को लिया था उन्होंने लास्ट में बाजी मार ली, लेकिन वैसी टीम से वो केवल 1% टाइम विन कर पाएंगे, हम ऐसी टीम से 99% विन करेंगे। तो ये हमारी विनिंग ही है हमारे अकॉर्डिंग, इसको हम लॉस नहीं मानेंगे। मैच नंबर 11 और 12 हम कवर नहीं कर पाए जुलाई क्लोजिंग की वजह से। उसके बाद जब जुलाई क्लोजिंग खत्म हो गई तो फिर से हमने यहाँ पे मैच नंबर 13 और 14 में इन्वेस्टमेंट किया, दूसरे ड्रीम इलेवन अकाउंट में 25,000 का इन्वेस्टमेंट, 67,500 की विनिंग और 42,500 का प्रॉफिट। इसके बाद मैच नंबर 14 में हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे 1,35,000 रुपए की विनिंग हुई, 85,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। लास्ट मैच मैच नंबर 15 भी हम कवर नहीं कर पाए टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि उसमें TNPL का फाइनल भी था, तो TNPL का फाइनल होने की वजह से, कल TNPL का फाइनल था तो हमने वो कवर किया था, उसमें हमने क्लीन स्वीप किया था, आप जाकर के विनिंग टेलीग्राम पे देख लेना। इसके अलावा मैच नंबर 16 हमने कवर किया, उसमें हमने 19,000, 14,950 वाले 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए,
91,000 रुपए की विनिंग हुई, आसानी से अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हमने कमाया, यानी 100% विनिंग का रिकॉर्ड अभी भी हमारा द 100 में है। अब वेन्यू पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। ये मैच होने वाला है सोफिया गार्डन कार्डिफ में, बैटिंग पिच है लेकिन रन ज्यादा नहीं बनते हैं। यहाँ पे बाकी पिच से अगर कंपेयर किया जाए तो रन यहाँ पे कम बनते हैं, भले ही यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच लिखा हुआ है। पेसर्स को यहाँ पे पिच मदद करती है, फास्ट बॉलर यहाँ पे बहुत विकेट्स लेते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट बैट्समैन लेने हैं और इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर्स आपको लेकर चलने हैं। टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 67 मैचेज हुए हैं, 35 बैटिंग फर्स्ट, 30 बैटिंग सेकंड ने विन किया, 160 मात्र एवरेज है। हाईएस्ट सरे का है 236 रन, जो कि T20 ब्लास्ट का है, यानी 120 बॉल में 236 बने हैं। बाकी यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न आपके सामने, जो कि उतना हमारे अकॉर्डिंग मायने नहीं रखता है। आपको अगर इससे मदद मिलती हो तो आप सामने स्क्रीनशॉट लेकर के इससे एनालिसिस कर सकते हो। सोफिया गार्डन कार्डिफ में कुछ इंटरनेशनल 9 मैचेज हुए हैं, 6 बैटिंग सेकंड और 3 बैटिंग फर्स्ट ने विन किए हैं, 150 का एवरेज, 207 हाईएस्ट है। अब मैं वेदर एक बार आपको बता देता हूँ क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पे मात्र 10% रेन के चांसेज है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, तो यहाँ पे पिच को जल्दी सुखा दिया जाता है, तो पूरा आपको 40 ओवर का गेम देखने को मिलेगा। टेम्परेचर 14 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे कौन से बैट्समैन और बॉलर का अच्छा स्टेटस, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ग्लेन फिलिप्स, जो क्लार्क, जॉनी बेयरस्टो, ल्यूक वेल्स का यहाँ पे काफी अच्छा रिकॉर्ड है, बाकी का आप देख लेना स्टैट्स। 9 मैच में 209 रन है, ग्लेन फिलिप्स का 80 हाईएस्ट है, और बाकी यहाँ पे तीनों प्लेयर का आप देख लेना। बाकी यहाँ पे डेविड पाइने और डेविड विले का काफी अच्छा बॉलिंग में रिकॉर्ड है, 11 में 11 विकेट पाइने का है और विले का 6 में 8 विकेट है। ये जो 6 प्लेयर मैंने आपको दिखाए, ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इस वेन्यू पे इनका अच्छा रिकॉर्ड है। अब लास्ट के जो 4 मुकाबले इस वेन्यू पे हुए वो हम देख लेते हैं। ये चारों द 100 के मुकाबले हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि है तो बैटिंग पिच, लेकिन लास्ट के 4 मुकाबले आप देखो यहाँ पे रन नहीं बने हैं, और हर जगह आप देखोगे पेसर्स ने विकेट बहुत लिए हैं। 11 विकेट पेसर, यहाँ भी 11 विकेट पेसर, यहाँ पे 7 विकेट पेसर, यहाँ पे 11 विकेट पेसर, हर जगह पेसर्स ने स्पिनर से ज्यादा बाजी मारी है, बस यहाँ पे एक जगह पे स्पिनर ने 5-6 विकेट लिए हैं, बाकी हर जगह स्पिनर को कम विकेट मिले हैं। यहाँ देख सकते हो 113 बना, सामने वाली टीम चेस नहीं कर पाई, तो इसको हम कैसे बैटिंग पिच मान सकते हैं? अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो बैटिंग पिच है, रन बनाना आसान है, लेकिन यहाँ पे रन अच्छे बन नहीं रहे हैं, जैसा कि लास्ट के 4 मैचेज में हमको देखने को मिला। 109 बना यहाँ पे चेस हो गया, यहाँ पे ठीक ठाक स्कोर बना, ठीक के अच्छा स्कोर बना, 100 बॉल के गेम में 152 रन काफी अच्छा माना जाएगा। सामने वाली टीम 148 बना पाई, यहाँ पे मात्र 87 पे ऑल आउट हो गई टीम, और साउदर्न ब्रेव ने इसको चेस कर लिया। बहुत ज्यादा भी अच्छे रन नहीं बनते, बट पेसर्स इंपॉर्टेंट है। दोनों टीम के हेड टू हेड 6 मैच हुए हैं, 5 मैच जीता है साउदर्न ब्रेव ने और 1 जीता है वेल्स फायर ने। लास्ट के 5 मैच आप देख सकते हो, 3 मैच जीता है साउदर्न ब्रेव ने और 3 मैच जीता है वेल्स फायर ने, लेकिन लास्ट के दोनों मैच हार के आ रही है वेल्स फायर, साउदर्न ब्रेव लास्ट मैच जीत के आ रही है। अब लास्ट के 4 मुकाबले देख लेते हैं जो दोनों टीम के बीच में हुए थे, उसमें क्या कुछ हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो हेड टू हेड मैच का रिकॉर्ड है। लास्ट मैच जो हुआ था, वेल्स फायर 87 पे ऑल आउट हो गई थी और यहाँ पे साउदर्न ब्रेव ने 9 विकेट से मैच को जीत लिया था। किसने अच्छा किया था, मेन प्लेयर का नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे कि टैमिल मिल्स ने 4 विकेट लिए, गार्टन अभी तो फिलहाल खेल नहीं रहे, लेकिन क्रेग वॉल्टन ने 2 विकेट लिए। बाकी यहाँ पे साउदर्न ब्रेव ने 147 बनाया, WEF वेल्स फायर की टीम मात्र 2 रन से हार गई। यहाँ पे क्रिस जॉर्डन जो अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 70 रन बनाए, बाकी यहाँ पे क्रेग वॉल्टन ने 2 विकेट लिए, मिल्स रियान अहमद को 2-2 विकेट मिले। इधर डेविड विले ने 31 रन बनाए, 1 विकेट लिया, बाकी हरीश राउफ ने 3 विकेट लिए, बाकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। यहाँ पे 129 बनाया वेल्स फायर ने, साउदर्न ब्रेव ने इसको 9 विकेट से चेस कर लिया। गार्टन का हर जगह नाम आ रहा है, लेकिन खेलेंगे तभी तो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। क्लूई खेलेंगे, इन्होंने 37 बनाया था, बाकी यहाँ पे वेल्स फायर ने 107 बनाया और साउदर्न की ब्रेव की टीम ने इसको 9 विकेट से चेस कर लिया। तो साउदर्न ब्रेव आसानी से चेस कर रही है, 4 में से 3 मुकाबले तो चेस करके साउदर्न ब्रेव ने जीते हैं, और ये वाला इन्होंने 2 रन से डिपेंड कर लिया, यानी लास्ट के 4 मुकाबले साउदर्न ब्रेव ने वेल्स फायर को हराया है। यहाँ देख सकते हो जेम्स विंस ने 71 बनाया, एलेक्स डेविस ने 26 बनाया, क्रेग वॉल्टन और जॉर्डन ने 2-2 विकेट लिए। ये सभी कॉमन प्लेयर ही आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आपकी टीम में होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद देख लेते हैं प्लेयर्स बैटर, यानी कौन से बॉलर किस बैट्समैन को आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हो साउदर्न ब्रेव के बॉलर्स को हम देख लेते हैं और यहाँ पे वेल्स फायर के बैट्समैन देख लेते हैं। सबसे पहले टॉम कैलर कैडमोरी, जिनका ये सीजन बहुत खराब जा रहा है। टैमिल मिल्स ने इनको 26 बॉल में 3 बार, जॉर्डन ने 51 बॉल में 2 बार आउट किया है, ब्रैकेट में रन लिखा हुआ है।
जॉनी बेस्टो को डैनियल ब्रिक्स ने 2 बार आउट किया, आर्चर ने 1 बार आउट किया है, लेकिन ब्रिक्स को अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है। ल्यूक वेल्स को रियान अहमद ने 1 बार आउट किया है 3 बॉल में। जो क्लार्क को क्रेग वॉल्टन ने 2 बार 2 बॉल में, और इसके अलावा गार्टन ने 1 बार आउट किया है, बाकी एक एक बार आउट किया है टॉम अबेल को, पोलार्ड एंड ओवरटन ने, ग्लैन फ्लिप्स को, जॉर्डन और पोलार्ड ने 2-2 बार आउट किया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट वेल्स फायर के बॉलर और साउदर्न ब्रेव के बैट्समैन। तो सबसे पहले जेम्स विंस जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लास्ट मैच में भी 80+ खेल के आ रहे हैं, इनको मरवे ने 3 बार आउट किया है और ग्रीन ने 2 बार आउट किया है। एलेक्स डेविस को मरवे ने 1 बार आउट किया है, क्रेन ने 1 बार किया है। लॉरी इवांस को 3 बार क्रेन ने आउट किया, 1 बार हेनरी ने आउट किया है। क्लोई को क्रेन ने 2 बार, बॉल ने 2 बार। जे कोल्स को पायने और हेनरी ने 1-1 बार, और केरम पोलार्ड को 1-1 बार मरवे और हरीश राउफ ने आउट किया हुआ है। अब वीडियो में आगे चलते हैं, दोनों टीम की प्लेइंग 11 पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जॉनी बेस्टो ओपनिंग करेंगे ल्यूक वेल्स के साथ। अभी तक ल्यूक वेल्स 4th-5th नंबर पे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग की फ्लॉप रहे थे, बट ये T20 ब्लास्ट में काफी कमाल करके आ रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। यहाँ पे बॉलिंग करने का उतना मौका नहीं मिल रहा है। जो क्लार्क के टॉम अबेल, ग्लैन फ्लिप्स, कैडमोरे पहले ओपनिंग कर रहे थे, लास्ट में ल्यूक वेल्स ओपनिंग करने आए, हो सकता है फिर से कैडमोरे ओपनिंग कर सकते हैं। डेविड विले हैं, डेविड पायने, क्रेन, मैट हेनरी और जैक बॉल। अब यहाँ साउदर्न ब्रेव की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। एलेक्स डेविस, जेम्स विंस के साथ ओपनिंग करेंगे, फिर क्लूई हैं, कोल्स हैं, लॉरी इवान, किरम पोलार्ड, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, अकील हुसैन, थैमल मिल्स और क्रेग ओवर्टन। अब एक एक प्लेयर का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साउदर्न ब्रेव की प्लेइंग 11 में जो प्लेयर है। सबसे पहले एलेक्स डेविस है, इनका काफी एक्सपीरियंस है, 138 मैच का 3000 के आसपास रन है। रिसेंट फॉर्म इनकी अच्छी है, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे भी फ्लॉप रहे हैं। जेम्स विंस काफी अच्छी फॉर्म में, यहाँ पे देख सकते हो 90 रन बना करके आ रहे हैं। इसके अलावा इनके पास 11,000 के आसपास रन है, 391 मैच में, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, वैल्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। प्लोई की बात करें तो उतने कंसिस्टेंट नहीं है, बट एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, वेन्यू पे इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है, चार ट्राई कर सकते हो। किरम पोलार्ड लास्ट के 2 मैच से खेल रहे हैं, 38-37 रन बनाया है, 13,000 के आसपास रन है, 320 विकेट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कोल्स का T20 ब्लास्ट काफी अच्छा गया था, बट यहाँ पे उतना मौका बॉलिंग का नहीं मिल रहा है, बैटिंग से भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। लॉरी इवांस का वही हाल है, T20 ब्लास्ट में काफी अच्छा करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बैटिंग काफी नीचे आ रही है। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, पेसर्स को मदद है, जितने पेसर्स है सब लेकर के चलना। क्रेग ओवर्टन 20 बॉल करेंगे, मस्ट पिक रहेंगे आपके लिए, काफी अच्छी फॉर्म में है। जॉर्डन कैप्टन की चॉइस है, डेथ ओवर में आते हैं, 3-4-5, 2 विकेट और 3 विकेट 5 विकेट लास्ट के 2 मैच से लेकर के आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जोफ्रा आर्चर इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, इनको भी बिल्कुल लेकर के चलना, विकेट टेकिंग बॉलर है। अकील हुसैन को लेकर चल सकते हो, लास्ट में जो 3 विकेट लिया था, तो मैं तो इनको अपनी टीम में लेकर चलूंगा, आप भी बिल्कुल लेकर के चलना। थैमल मिल्स मस्ट पिक है, लास्ट के 2 मैच में 4 विकेट है, डेथ ओवर में आते हैं, 8 मैच में 17 विकेट है इस वेन्यू पे। कुछ बेंच प्लेयर अगर खेलते हैं तो रिकॉर्ड आपके सामने है। डैनियल ह्यूजेज ओपनिंग करेंगे, अच्छी फॉर्म में थे, 45-96 बनाया था, इंपॉर्टेंट रहेंगे। रियान अहमद स्पिनर है, उतनी मदद यहाँ पे स्पिनर को है नहीं, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वेदरले उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। गार्टन का हर जगह अपने आपने देखा हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, और इस वेन्यू पे अच्छा कर सकते हैं, पेसर्स को मदद है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा डैनियल ब्रिक्स का काफी अच्छा T20 ब्लास्ट गया था, देख सकते हो विकेट ही विकेट इनके खाते में, 3-2, 3-2, 1-3, 2-1, बट यहाँ पे 1 मैच खेला, उसमें फ्लॉप रहे थे, स्पिनर को उतनी मदद नहीं है यहाँ पे। फिन एलन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे वेल्स प्लेयर की प्लेइंग वेल्स फायर की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। जॉनी बेस्टो 55 बना के आ रहे हैं, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे बेस्ट चॉइस आपके लिए यही रहेंगे। ल्यूक वेल्स का T20 ब्लास्ट काफी अच्छा गया था, बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, बट यहाँ पे उतनी स्पिनर को मदद नहीं है। जो क्लार्क उतने कंसिस्टेंट नहीं है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। टॉम अबेल भी उतने कंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको बॉलर को ज्यादा लेकर के चलना है। ग्लैन फिलिप्स का लंका प्रीमियर लीग अच्छा गया था, यहाँ पे लगातार फ्लॉप जा रहे हैं। कैडमोरे ओपनिंग कर रहे थे, फ्लॉप गए, तो इनको नीचे भेज दिया गया, तो जाहिर सी बात है अच्छी फॉर्म में नहीं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डेविड विले इंपॉर्टेंट है, पेसर है, 20 बॉल करेंगे और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। डेविड पायने पेसर है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैट हेनरी आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है। इसके बाद क्रेन की बात करें, स्पिनर को उतनी मदद नहीं है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और हरीश रऊफ आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, 5 विकेट लास्ट के 2 मैच में लेकर के आ रहे हैं। बेंच पे कुछ प्लेयर हैं इनके, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जोशुआ लिटिल मस्ट पिक रहेंगे अगर खेलते हैं तो, विकेट टेकिंग बॉलर है। जैक बॉल भी सेम आपको लेकर के चलना है अगर खेलते हैं। बेन क्रिंग का T20 ब्लास्ट काफ़ी अच्छा गया था, यहाँ भी अच्छा करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेसर है। मरवे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है अगर खेलते हैं तो, इसके अलावा एस्किनाजी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कुक खेलते हैं ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। हमने एक टीम बनाई हुई है, यहाँ पे सारे पेसर्स को हमने लिया हुआ है,
यहाँ पे देख सकते हो बैटिंग बैटिंग में हमने केवल जेम्स विंस को लिया, विकेट कीपिंग में जॉनी बेस्टो को, बाकी डेविड विले, क्रिस जॉर्डन, क्रेग वॉर्टन, जोफ्रा आर्चर, हरीश रो, मैट हेनरी, डेविड पैनर, तैमिल मिल्स, ये सारे पेसर्स हैं। एक स्पिनर मैंने लिया है अकील हुसैन, जो कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, किसी भी पिच पे इनको विकेट मिल सकता है। सामने वाली टीम में राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इनको लिया है। कुछ हमारी प्रीवियस विनिंग है जिसका लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो इसी चैनल का वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, जिस टीम की पहले बॉलिंग होगी उसके बॉलर्स को आप कैप्टन बना सकते हो। क्रिस जॉर्डन की टीम की अगर पहले बॉलिंग है उनको कैप्टन बना देना, डेविड विले वाली टीम की पहले बॉलिंग है तो डेविड विले और हरीश राव, ये दोनों कैप्टन की अच्छी चॉइस है। आगे चलते हैं, बात करते हैं पेड मेंबरशिप की। हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474। हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, विनिंग भी सबसे ज़्यादा हाई होती है। हमने एक पैकेज लॉन्च किया था कंबाइंड पैकेज द हंड्रेड्स का, उसमें सारे इंपॉर्टेंट मैचेज हमने द हंड्रेड्स में कवर किए थे, लेकिन अब हमने मंथली पैकेज लॉन्च कर दिया है जिसकी वैलिडिटी 30 डेज की है। आपको उसमें सारे प्रॉफिटेबल मैचेज मिलेंगे जो भी 30 दिन के अंदर में होंगे, चाहे वो द हंड्रेड्स के हो, मैन के हो, वुमेन के हो, चाहे वो ग्लोबल कनाडा T20 हो, चाहे वो कोई भी सीरीज का मैच हो, वो आपको दिए जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना। आपका होस्टिंग दोस्त अंकुर साइनिंग आउट, बाय बाय।